उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसने तन्वी को मारा ही क्यों? उसकी दुश्मनी तो हमारे साथ थी ना? शिवन्या, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब इस फोन में है। कुछ है जिसकी वजह से उस नकली कबीर ने अब तक ये फोन संभाल के रखा है। तुम यहाँ आई हो बदला लेने के लिए शिवन्या, नाकी के इंसान से प्यार करके कुर्बानी देने के लिए, और मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हारा साथ देने के लिए। इसका मतलब तन्वी जानती थी कि हम दोनों नागिन हैं, और नेवले को ये बात पता चली इसलिए उस नेवले ने उसे मार दिया ताकि वो हमारा शिकार कर सके। एक निर्दोष की जान गई, तन्वी के मौत की वजह हम हैं। ये सोचो शिवन्या कि इस नेवले की मौत की वजह हम हैं। दुश्मन की हस्ती मिटा दी हमने, सदियों की दुश्मनी निभा ली, जान से गया जहां से गया वो नेवला। चलो अब यहां से। एक मिनट, ये कैसी आवाज थी? लगता है उस नकली कबीर का फोन। अब तक तो नागिन को पकड़ लिया होगा तुमने, ले आओ उसे मेरे पास काली घाट पे। काली रात में काली घाट पे उसका काल लाऊंगी मैं। शिवन्या, ये वही दुश्मन है जिसने नेवले को यहां भेजा है। अभी फोन करती हूं उसे, वो दुश्मन हमारे सामने आ जाएगा। शेषा, इतनी उतावली मत बनो। जब तूफान आता है तो समंदर अपना किनारा छोड़ देता है और नागिन अपना शहर। अभी नहीं शेषा, अभी नहीं। तो कब शिवन्या, कब लाएंगे इस दुश्मन को हमारे सामने? हम दोनों वहां जाएंगे। मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ उस दुश्मन का चेहरा, और मैं उस दुश्मन की हस्ती मिटाना चाहती हूँ। जरा बता तो दो दोस्तों को कि दुश्मन चला गया। ऋतिक, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं, गुड बाय। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई नेवला इंसानी रूप में यहां आया था और चला गया। इस शहर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से। निशानी खत्म, दुश्मन की कहानी खत्म। चले। भैया चलो घर चले, तुम भी चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। इन सबने पी रखी है, सिर्फ आपने ही नहीं पी। तुम ड्राइव करके इन्हें ले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी में इसे ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ भैया, आप चलिए हमारे साथ चलिए। सुनो, जल्दी आना। यही है वो काली घाटी, आज यही मौत होगी उसकी। शांत हो जाओ शेषा, क्या पता यही वो जो हमें बता दे कि वो पांचवा कातिल कौन है। उस नेवले से बड़ा कातिल है वो तन्वी का, जिसने उस नेवले को भेजा। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि तन्वी को किसने मारा है। चलो चल कर देखें। एक मिनट, वो जो भी है वो उस नेवले का इंतजार कर रहा है ना। अगर हम इस रूप में गए तो वो वहां से भाग जाएगा। ये तो कहता है उसे डस लो अभी। मैं नहीं, अभी नहीं, पहले उसके अंदर का जहर तो बाहर आ जाए। वो नेवले का इंतजार कर रहा है ना, तो उसे नेवला ही मिलेगा एक नागिन के साथ। Oh,
मैं जानती थी कि तुम अपने दुश्मन को छोड़कर नहीं आओगे, उसे जरूर लाओगे। जो काम गुरु माँ उसकी अंगूठिया और उसका खंजर नहीं कर सके ना, वो काम ये नेवला कर गया। ले आया नागिन को, अब मार दो इस नागिन को, मेरी आंखों के सामने मार दो इसे, मार दो इसे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना नहीं तुमने? सौदा याद नहीं तुम्हें अपना? भूल गए वो चीज जिसके लिए तुमने ये सारा काम किया? हाँ, मार डालो इस नागिन को, मार डालो इसे। मेरे पति सूर्य को मारा है इसने, मारो इसे अभी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत में हंसूं या फिर तेरी किस्मत में रोऊं। तुझे क्या लगा कि तेरा वो नेवला एक नागिन को मार देगा? एक इच्छाधारी नागिन को 100 साल की तपस्या के बाद हमें ये रूप मिलता है, एक इच्छाधारी रूप। फिर अंगन, तूने उस नेवले को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। आज तेरा वो हशर करूंगी मैं कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा। डर के देख रही है या फिर तेरी शक्ल ही ऐसी है जैसे मरते वक्त तेरे नेवले की थी। मर गया तेरा नेवला। सांप का जहर सिर्फ उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी फूक में भी होता है। बोल, उड़ा दो तुझे अपनी फूक से। लगा ले, जितनी लंबी छलांग लगानी है लगा ले। नागिन से बच के कहां जाएगी तू? बोल फिरंगन, तेरे देश में तो नागिन की कहानी भी नहीं पढ़ी होगी तूने, और नेवले को ले आई यहां। बोल, किसने भेजा उसे? बोल। नागिन हूं मैं, दस लूंगी तुझे। जोर दो, जोर दो, मैं उस नेवले को नहीं लगी। उसने उसके कहने पर किया ये सब। किसके कहने पर किया था? बोल, बोलने तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। उसका नाम वो ये। जुबान खोल, मेरी जुबान बाहर और तू ऊपर। बोल, कौन था वो? नाम बता उसका। बोल। वही नेवले ने बताया था मुझे, ये पांचवा कातिल। उसका नाम बोल।